यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो चार्ट है चार्ट के अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ पे हमारा जो वॉलपेपर है यहाँ पे लग चुका है अपने। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने व्हाट्सअप के अंदर वॉलपेपर कैसे लगा सकते हो। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमारे सामने एक कॉन्टैक्ट है। उस कॉन्टैक्ट के अंदर जो चार्ट में यहाँ पे मतलब चार्ट ओपन कर चुका हूँ यहाँ पे, और इस चार्ट के अंदर हमारा कोई भी वॉलपेपर नहीं है, मतलब कि डिफॉल्ट वॉलपेपर है आई थिंक ये, और यहाँ पे हम वॉलपेपर लगाने वाले हो। तो कैसे लगा सकते हो मैं आपको आज के इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, WhatsApp के अंदर किसी भी चार्ट के अंदर वॉलपेपर लगाने के लिए हम सिंपली चले जाएंगे हमारे WhatsApp के अंदर। तो WhatsApp को हम जैसे ओपन करते हैं दोस्तों, ओपन करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको उस चार्ट को ओपन करना है जहाँ पे आपको वॉलपेपर लगाना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे टेक एंड जॉय के ऊपर क्लिक करके इस चार्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों इस चार्ट को ओपन करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें कॉल, वीडियो कॉल और तीन डॉट्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है थ्री डॉट्स के ऊपर। थ्री डॉट्स के ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्लिक कर देना है जो सेकंड लास्ट वाला ऑप्शन है वॉलपेपर नाम से, तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। वॉलपेपर के ऊपर हम जैसे क्लिक करते दोस्तों, क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर की तरफ ब्राइट वाला एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे ब्राइट वॉलपेपर्स लगा सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो जो कुछ भी यहाँ पे वॉलपेपर्स दिखेंगे वो सारे WhatsApp के अंदर के वॉलपेपर्स हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन है दोस्तों डार्क वॉलपेपर वाला। तो डार्क वॉलपेपर के ऊपर मतलब डार्क के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे डार्क वॉलपेपर्स लगा सकते हो। जो कुछ भी वॉलपेपर्स आप यहाँ पे लगाओगे दोस्तों, वो सारे WhatsApp के अंदर के वॉलपेपर है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। थर्ड वाला ऑप्शन दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि है सॉलिड कलर्स। तो उसके ऊपर क्लिक करके दोस्तों आप सिर्फ यहाँ पे सॉलिड कलर्स यहाँ पे वॉलपेपर्स के अंदर लगा सकते हो। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर नॉर्मल से कलर आएंगे, प्लेन कलर आपको यहाँ पे लगाने हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद जो फोर्थ वाला ऑप्शन है दोस्तों माय फोटोज़ का, तो उसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी गैलरी से फोटो यहाँ पे लगा सकते हो। तो सिंपली इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। क्लिक करने के बाद में आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जिसकी मदद से आपका जो गैलरी का कुछ भी फोटो होगा तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो आई थिंक सभी को यहाँ से गैलरी से फोटो लगाना होगा, तो यहाँ पे आप गैलरी से भी फोटो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो चूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों फोटो सिलेक्ट करने के बाद में, फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो वॉलपेपर है उसको आप सेट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे फोटो है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, जूम वगैरह कर सकते हो, ऊपर नीचे आप यहाँ पे स्क्रॉल वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ हमें एक सेट वॉलपेपर वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सेट वॉलपेपर के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। सेट वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन है फॉर दिस चार्ट टेक एंड जॉय, मतलब हमारे जो चार्ट है उसको जिसको हमने ओपन किया है उसी के अंदर लगाना है, तो आप इसको फर्स्ट वाले के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हो। और सेकंड वाला ऑप्शन है दोस्तों फॉर ऑल चार्ट्स इन लाइट थीम, मतलब कि दोस्तों अगर आपका मोबाइल लाइट थीम के अंदर है तो यहाँ पे सारे चार्ट्स के ऊपर ये वॉलपेपर लग जाएगा। तो आपको जैसा करना है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मुझे सिंपली यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर ही सिलेक्ट करना है, मतलब टेक एंड जॉय जो मेरी चार्ट है उस चार्ट के अंदर ही वॉलपेपर लगाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट के ऊपर ही मैं रख रहा हूँ, और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की तरफ जो ओके वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अपने हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ओके के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो चार्ट है चार्ट के अंदर हम आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा जो वॉलपेपर है यहाँ पे लग चुका है। अपने हिसाब से दोस्तों आप सारे वॉलपेपर्स मतलब सारे चार्ट्स के अंदर भी एक वॉलपेपर लगा सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों इसी तरह से आपको अपने चार्ट के अंदर वॉलपेपर लगाना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।